6600 रुपया, 6500 रुपया आपको साल भर में ज्यादा लग गए तो उसकी फिक्र नहीं है। 6600 लगे, 6500 लगे तो उसकी पीड़ा नहीं है। 2000 मिल गए तो उसमें खुश, 2000 का गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया तो हम खुश हैं, और हमारी जेब से 6500 चले गए तो वो हमें पता नहीं लगता। डीजल और पेट्रोल 6 साल 7 साल पहले कितने का था? 50 रुपया लीटर था, आज 52 रुपया लीटर है। आपकी जेब से 60,000 डीजल और पेट्रोल में चले जाते हैं धीरे धीरे तो वो समझ में नहीं आता। 2000 करके 6000 मिल जाते हैं तो उसमें आप खुश हैं कि हमको तो डीजल वो हमको तो 6000 मिल गए, डीजल और पेट्रोल से हमें क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी के लोग जाते हैं गरीब लोगों की बस्ती में जाते हैं, कहते हैं आपको डीजल पेट्रोल की महंगाई से क्या लेना देना है, आपके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, आपके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है, आप क्यों परेशान है, आपको बढ़िया 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, कॉलोनी मिल गई, शौचालय मिल गया, आप क्यों परेशान होते हैं। तो गरीब आदमी सोचता है कि नहीं यार हमको तो बहुत फायदा है, हमें तो डीजल पेट्रोल लेना नहीं पड़ता। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि अगर डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया तो जो चीज वो बाजार से खरीदता है या जो चीज वो खाता है कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हो गई। अगर आप साबुन खरीदेंगे तो साबुन बाजार में ट्रक में लद के आती है, तो ट्रक का जब डीजल महंगा हो गया तो ट्रक का भाड़ा महंगा हो गया, तो जब भाड़ा महंगा हो गया तो वो सामान महंगा हो गया। आप कपड़े खरीदते हैं, कपड़े बाजार से खरीदते हैं, कपड़े ट्रक में लद के आते हैं, तो जब ट्रक का भाड़ा महंगा हो गया तो कपड़े की कीमत महंगी हो गई। कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हो जाती। लेकिन वो आपको समझाते हैं कि आपको कहाँ फर्क पड़ता है। अगर किसान भाई को 7 साल पहले 100 रुपया बचता था तो आज की डेट में उसको 30 रुपया नहीं बचता है, लेकिन वो इसको समझ में नहीं आता है कि कैसे ये हो गया। सरकार के लोग उसको टीवी से कहते हैं कि लो रसगुल्ला खाओ, वो टीवी से बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी खिलाते हैं, और वो टीवी से खिलाते हैं आपके मुंह में उसका टेस्ट आ जाता है, स्वाद आ जाता है कि बहुत मीठा रसगुल्ला, और आपकी थाली का छीन लेता है आपको पता नहीं चलता। आपकी थाली का छीन लेता है आपको पता नहीं चलता और टीवी से खिला देता है तो आपको टेस्ट आ जाता है। कुछ हमारी बहनें कहती हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, कॉलोनी मिल गई, और 2000 करके 6000 मिल गए, किसी को 500 रुपया महीने मिल गए, आगे चल के हमारे लड़के और बहू को भी एक कॉलोनी मिल जाएगी, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा और 5 किलो अनाज मिल जाएगा, इसी में जीवन कट जाएगा। क्या जरूरत है बच्चे को पढ़ाने लिखाने की, क्या जरूरत है बेटे और बेटी को पढ़ाने लिखाने की, क्या जरूरत है डॉक्टर और इंजीनियर और मास्टर बनाने की। 5 किलो अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, कॉलोनी मिलती है, अगर इसी में जीवन कट जाए, गैस सिलेंडर और चूल्हे और कॉलोनी में, और 2000 करके 6000 रुपया में, तो फिर इस मीटिंग का और इसका जो हम मकसद रखे हैं भाईचारा बनाओ सम्मेलन का, इसका कोई मकसद नहीं। और अगर इसके आगे भी दुनिया है, हम भी अगर सोचते हैं कि हमारा बेटा भी पढ़े, हमारी भी बेटी पढ़े, हमारी भी बेटी डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, SDM बने, CO बने, हमारा बेटा भी अच्छी जगहों में जाए, हम भी इज्जत सम्मान से रहें, अगर ये कहते हैं तो इस मीटिंग का कोई मकसद। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमें कॉलोनी मिल जाएगी, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा, हमारी बहू को भी मिल जाएगा, हमारा इसमें भी जीवन कट जाएगा, तो फिर इसके आगे की कोई बात नहीं। और अगर इसके आगे सोचना है कि नहीं हम भी इस देश में रहते हैं, हम भी इज्जत सम्मान से रहना चाहते हैं, हमारा बेटा भी अच्छे पदों में जाए, हमारी बेटी भी अच्छे पदों में जाए, हमारा बेटा भी कलेक्टर बने, हमारी बेटी भी कलेक्टर बने, तो जहां वोट देकर के आपने उन्हें भेजा है वहां वोट देकर के आपको खुद जाना पड़ेगा, अपने लोगों को वोट देकर के जिताना। साथियों, ये सारी बातों का जो सार है, जो निष्कर्ष है, वो एक ही है कि हम अगर अपनी वोट की ताकत को पहचाने और वोट की ताकत को पहचान करके
जो गरीबी जानता है, जिसका किसान से वास्ता रहा है, जिसने बेरोजगार बच्चों की पीड़ा सही है, जिसने बहन बेटियों की तकलीफ देखी है, ऐसे लोगों को हम जिला करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में भेजें तो हमारे पक्ष की बात रखेंगे, हमारे मतलब की बात रखेंगे। और जब तक हम बड़े लोगों को जिता करके भेजेंगे जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी है, किसान के दर्द से कोई वास्ता नहीं है, किसान की तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है, मजदूर की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं है, बेरोजगार बच्चों की पीड़ा कभी उसने देखी नहीं है, जब ऐसे लोगों को जिता करके हम भेजेंगे वो कहाँ आपकी बात करेंगे। वो आपको तो 5 किलो अनाज देंगे, गैस सिलेंडर चूल्हा देंगे और उसके बदले आपका क्या क्या ले जाएंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले साल जब कोरोना के बीमारी के चक्कर में लॉकडाउन हुआ जून के महीने में, 2 महीने जब मई और अप्रैल का महीना था, सरकार ने लॉकडाउन किया कि कोरोना आ गया है, अब उन 2 महीने में सब संसाधन बंद कर दिए गए, हमारे बहुत सारे परिवार के रिश्ते नाते आप सबके जो मजदूरी करने के लिए अपना गांव छोड़ करके अपने देश के दूसरे शहरों में गए, वो बेचारे 2 महीने पैदल चले, एक एक महीना 2-2 महीने मुंबई से, पुणे से, सूरत से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, गुड़गामा से पैदल आए, बहुत सारे बच्चे तो रास्ते में मर गए, बहुत सारी बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए, और जो आपको वो घटना याद होगी जो बेचारे किसी तरह आए उनके पैरों की क्या दुर्दशा। लेकिन सरकार को वो 2 महीने गरीब और किसान की याद नहीं आई, सारी ट्रेनें बंद कर दी गई, सारी बसें बंद कर दी गई, हमारे सरकार के पास 15,000 ट्रेनें हैं, हर सब प्रदेश सरकार के पास बसें हैं सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, अगर वो 5 दिन के लिए चला दी जाती तो पूरे मजदूर अपने घर आ जाते, लेकिन सरकार की नजर में मजदूर और किसान नहीं। 2 महीने तो सरकार ने मजदूर और किसान का नाम ही नहीं लिया, बाद में उनको 5 किलो अनाज दिया तो बहुत सारे लोग खुश हो गए कि नहीं 5 किलो अनाज हमको मिल गया, और 5 किलो अनाज और गैस सिलेंडर चूल्हा और ये जो कॉलोनी आपको मिलती है ये नेताजी के घर का पैसा नहीं है, ये आपकी दाढ़ी कमाई का पैसा है, आपके खून पसीने का पैसा है। आपको लगता होगा कि नेताजी ने अपने घर से दिया, नेताजी ने अपने घर से नहीं दिया, ये आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है। आप अगर 100 रुपया देते हैं तो उसमें से सरकार आपको 10 रुपया देती है, जब 1 लीटर डीजल खरीदते हैं आप तो 90 रुपया में 56 रुपया सरकार टैक्स लेती है, हर लीटर में 56 रुपया सरकार लेती है। आप अगर नमक खरीदते हैं बाजार से तो सरकार टैक्स लेती है, आप कपड़े खरीदते हैं तो सरकार टैक्स लेती है, सबसे छोटा बिस्कुट पार्ले का आता है 5 रुपया का उसमें 76 पैसे सरकार टैक्स लेती है। हमारा देश एक ऐसा मजेदार देश है कि अगर 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसको बिना टैक्स के दवा नहीं मिलती, 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स, और जो टैक्स का पैसा है ये सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है जो आपके ओर से चुनी जाती है, और फिर वो सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, कॉलोनी मिलती है, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया मिलता है, आपको लगता है कि सरकार ने दे दिया। ये 5 किलो अनाज गोरखपुर के योगी जी के घर से लद के नहीं आता, ये गैस सिलेंडर चूल्हा गुजरात से नहीं आता, ये आपकी दाढ़ी कमाई का है, आपकी खून पसीने का है, और 100 रुपया आप जमा करते हैं तो 10 रुपया आपको मिलता है, और 90 रुपया जो बचता है उसका बताता हूँ क्या होता है, जो बचे 90 रुपया उसमें सिपाही से लगा के कप्तान तक का वेतन आपके पैसे से जाता है, चपरासी से लगा के कलेक्टर तक का वेतन आपके खून पसीने से जाता है, प्राइमरी के मास्टर से लेकर के डिग्री कॉलेज के मास्टर तक का वेतन आपके खून पसीने से जाता है, ये सड़कें आपके खून पसीने की कमाई से बनी है, ये बिजली आपके खून पसीने की कमाई से लगी है, ये नहरें जो खोदी जाती हैं ये आपके खून पसीने की कमाई का है, उसके बाद भी पैसा आपका बचता है तो उसके बाद जो पैसा बचता है तो नेताजी का हेलीकॉप्टर उससे उड़ता है, नेताजी का जहाज उससे उड़ता है, नेताजी का बंगला बनता है, नेताजी के नौकर चाकर में खर्चा होता है, नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता है, आपके खून कमाई से नेताजी का घर चलता है,
लेकिन आपको लगता है कि नेताजी ने हमें एक कॉलोनी दे दिया और हमारे ऊपर नेताजी ने बहुत एहसान किया। अकेले डीजल और पेट्रोल से इस सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया। अकेले डीजल और पेट्रोल से सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया और पूरे देश के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया बांटा। 24 लाख करोड़ रुपया कमाया और पूरे देश के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया बांटा, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को 25,000 करोड़ मिला। 24 लाख करोड़ आपने दिया और 1 लाख करोड़ आपको मिला उसके बदले, लेकिन आपको लगता है कि नेताजी ने तो बहुत दे दिया। इसके पहले भी कभी आपसे इतना छीना गया है? इसके पहले भी आपसे कभी इतना लूटा गया है? यह ध्यान नहीं है। हमको कॉलोनी मिल गई, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया तो हम इसमें खुश। ना हमें अपने बच्चे का पढ़ने का फिक्र है, ना रोजगार की फिक्र है, ना इज्जत सम्मान की फिक्र है। हमको तो कॉलोनी मिल गई, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, उतने में हम खुश हो गए। इसलिए साथियों, मैंने और जो मेरे साथियों ने ये बातें कही आपको, इन बातों को आपको समझना होगा। जब हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत खराब बना दी, हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले ने जब हमारी किस्मत खराब लिख दी, तो जब ऊपर वाले ने लिख दी तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऊपर वाला भगवान अगर है तो भगवान कभी पक्षपाती नहीं होता। किसी की किस्मत अच्छी, किसी की किस्मत खराब नहीं दिखता। चंद मुट्ठी भर जो चलाक लोग हैं, उन्होंने हमको ऐसा कहा कि भगवान ने हमारी किस्मत अच्छी लिख दी और आपकी किस्मत खराब लिखी। और अगर भगवान है तो भगवान सबको बराबरी से चाहता है, सबको प्यार करता है, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं करता। इसलिए आपको अपने बुद्धि का, विवेक का और दिमाग का प्रयोग करने की जरूरत है। जब पुराने जमाने में राजशाही थी तो राजा का